आजाद हिंदुस्तान लाइव सच के साथ। निकाय चुनाव के लिए नामांकन पत्रों की बिक्री कोतवाली पुलिस की मौजूदगी में हुआ। गाजीपुर के जमानिया में निकाय चुनाव के मद्देनजर तहसील मुख्यालय स्थित न्यायालय, तहसीलदार, न्यायिक तथा न्यायालय नायब तहसीलदार तथा व्यय निगरानी प्रकोष्ठ कक्ष को नामांकन कक्ष बनाया गया, जिसमें सदस्य पद के लिए 1 से 5 तक, 6 से 10 तथा 21 से 25 तक तथा 16 से 20 तथा 11 से 15 तक नामांकन कक्ष बनाया गया तथा अध्यक्ष पद के लिए उप जिला मजिस्ट्रेट कोर्ट को नामांकन कक्ष बनाया गया। निकाय चुनाव को लेकर मंगलवार को नामांकन पत्र की बिक्री और दाखिल किए जाने की प्रक्रिया शुरू होगी। इसके लिए स्थानीय तहसील में तैयारी पूरी कर ली गई। इसके लिए निर्वाचन अधिकारी और सहायक निर्वाचन अधिकारियों की तैनाती कर दी गई है। नामांकन पत्र दाखिल करने की आखिरी तिथि 17 अप्रैल है। निकाय चुनाव कराए जाने का ऐलान रविवार को किया गया, जिसमें अध्यक्ष के साथ साथ 25 वार्डों में चुनाव कराया जाना है। निकाय अध्यक्ष और सभासद पद के उम्मीदवार संबंधित तहसील में अपना नामांकन दाखिल कर सकेंगे। नामांकन की प्रक्रिया को शांतिपूर्वक संपन्न कराने के लिए तहसील में बैरिकेटिंग करा दी गई और अलग अलग कक्ष बना दिए गए हैं, जहां आरओ और एआरओ बैठेंगे। नामांकन की प्रक्रिया शुरू होने से पहले सोमवार की शाम को अपर ग्रामीण पुलिस अधीक्षक मय पुलिस अधिकारियों व सिपाहियों के साथ औचक निरीक्षण किया। निकाय चुनाव को लेकर जिला निर्वाचन अधिकारी रविंद्र कुमार मांदड़ की ओर से सोमवार को अधिसूचना जारी कर दी गई, जिसमें कहा गया है कि चुनाव उत्तर प्रदेश नगर पालिका नियमावली 2010 के मुताबिक सम्पन्न होगा। नामांकन पत्र की बिक्री और दाखिल किए जाने का कार्य 11 से 17 अप्रैल तक चलेगा। 18 अप्रैल को नामांकन पत्रों की जाँच होगी। 20 अप्रैल को नामांकन पत्र वापस लिया जा सकेगा। चुनाव चिन्ह का आवंटन 21 अप्रैल को होगा। मतदान 4 मई को सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक होगा। मतगणना 13 मई को सुबह 8 बजे से शुरू होगी, जो वोटों की गिनती पूरी होने तक चलेगी। निकायों में शांतिपूर्ण और निष्पक्ष मतदान कराने की तैयारी पूरी कर ली गई है। मंगलवार को नामांकन पत्र की बिक्री शुरू हुई, जिसमें सदस्य पद के लिए 1 से 5 तक में, 5 व 6 से 10 में 6 तथा 11 से 15 में 14 तथा 16 से 20 में 8 और 21 से 25 में 7 नामांकन पत्रों की बिक्री हुई और अध्यक्ष पद के लिए 15 नामांकन पत्रों की बिक्री की गई। बताया जा रहा है कि 17 अप्रैल तक सुबह 11 बजे से दोपहर बाद 3 बजे तक चलेगी। जिले में चुनाव आचार संहिता लागू है, सभी लोग इसका पालन करना होगा। कितने में मिलेगा नामांकन पत्र, कितनी होगी जमानत की राशि? अध्यक्ष पद के सामान्य वर्ग उम्मीदवारों को नामांकन पत्र के लिए 500 रुपए का भुगतान करना होगा। जमानत की राशि 8000 रुपए होगी। महिला, ओबीसी और एससी एसटी वर्ग के उम्मीदवारों को नामांकन पत्र 250 रुपए में मिलेगा और जमानत की राशि 4000 रुपए होगी। सदस्य के पद के लिए सामान्य वर्ग के उम्मीदवारों को नामांकन पत्र के लिए 200 रुपए का भुगतान करना होगा और जमानत की राशि 2000 रुपए होगी। महिला, ओबीसी और एससी एसटी वर्ग के उम्मीदवार को नामांकन पत्र के लिए 100 रुपए और जमानत की राशि के रूप में 1000 रुपए जमा कराने होंगे। उप जिला मजिस्ट्रेट हर्षिता तिवारी के साथ नगरपालिका परिषद के अधिशासी अधिकारी अखिलेश तिवारी, विजय शंकर राय सहित पालिका कर्मी तैनाती के साथ कोतवाली प्रभारी महेंद्र सिंह, एसआई दिग्विजय तिवारी मय पुलिस के साथ नक्सर, गहमर, रेवतीपुर मय पुलिस कर्मी मौजूद रहे। इसकी जानकारी तहसील कर्मी राहुल कुमार ने दी। आजाद न्यूज के लिए गाजीपुर से ब्यूरो चीफ सलीम मंसूरी की रिपोर्ट।